हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एग्नेस और स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं अनबॉक्स एंड ओवरव्यू करने वाली हूँ मिस रोज़ का ये पेन आईलाइनर विथ ड्यूल एप्लीकेटर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये पेन आईलाइनर कैसा है और इसे ख़रीदना सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा पहला बार है मैंने एक स्टैम्पिंग आईलाइनर इस तरह का कुछ परचेस किया है। तो चलिए इसका पैकेट जल्दी से खोल के देखते हैं इसमें क्या है। आप देखिए, ये इस तरह का पैकेट में आता है। मैंने पैकेट को रिमूव कर लिया। यहाँ पे लिखा है मिस रोज़ प्रोफेशनल मेकअप आईलाइनर एंड सील्ड आईब्रोज। तो चलिए देख लेते हैं ये सील्ड आईब्रोज है क्या। इधर लिखा है आईलाइनर डियो पेंसिल, मतलब दोनों साइड इसमें पेंसिल है। तो ये था इसका पैकेजिंग। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था फॉर ₹200। तो अब निकाल के देखते हैं आईलाइनर। देखिए, ये पेंसिल, ये एक पेन आईलाइनर है, इस तरह का दिखता है और इसका दोनों साइड खुलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आईलाइनर, पेन लाइनर को देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक पेन लाइनर है। ये देखिए, इसका स्वॉच देख लेते हैं। तो देखिए, ये एक पेन लाइनर है और इसका एक शाइनी फिनिश है, ग्लॉसी फिनिश है। देखिए, ये ग्लॉसी फिनिश है, सूखने के बाद भी ये ग्लॉसी ही लग रही है। ये है मेबेलिन कलर सिल्क का बोल्ड लाइनर। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, मैं इसका लिंक दे दूंगी। तो इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको ये दिख ही रहा है, ये मैट फिनिश है वेयर एज ये ग्लॉसी फिनिश है। तो ये था डिफरेंस ये आईलाइनर का। तो मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा वाला साइड खोल के देखते हैं। देखिए, ये इस तरह का एक स्टैम्पर है। ये एक स्टैम्पर है, इससे आप विंग आईलाइनर बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको स्टैम्प करके देखती हूँ। देखिए, वाह, ये तो अगर आप विंग लाइनर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको डिफ़िकल्टीज होता है तो शायद ये स्टैम्पर से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका सेकंड एप्लीकेटर को देख लेते हैं जो कि इसका हाइलाइटर है। ये थोड़ा हार्ड है, ये बिल्कुल ये पेन लाइनर की तरह सॉफ्ट नहीं है। ये बिल्कुल इसका टिप के जैसा नहीं है। देखिए, मैं फिर से आपको एक स्टैम्प करके दिखा रही हूँ। ये अपना शेप चेंज नहीं कर रही है, सिर्फ इसका प्रॉब्लम ये है कि ये इसका इंक थोड़ा पतला है, इसलिए हल्का हल्का वो स्प्रेड हो रहा है। तो अभी हम इसका ये देखिए सूख गई है। अभी मैं देखूंगी ये स्मज प्रूफ है या नहीं। तो मैं स्मज करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, सूख गई है मेरा स्टैम्प ये आईलाइनर। मैं स्मज कर रही हूँ, तो स्मज कर रही हूँ मैं काफ़ी ज़ोर से कर रही हूँ। ये हल्का सा निकल रहा है, इतना ज़ोर से हम लोग अपना चेहरा पे रब नहीं करते हैं। अब मैं पानी डाल के आपको दिखाऊंगी कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं। देखिए, मैंने ये भिगाया और मैं रब की, तो देखिए कितना जल्दी ये निकल गया है। इसका मतलब ये वाटरप्रूफ बिल्कुल नहीं है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि ये सच में पेन आईलाइनर काफ़ी अच्छा है। ये बहुत इजीली आप इसको जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्मज प्रूफ और वाटरप्रूफ बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।